الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات به محمد عليه وسلم. بزرگان مذہب و ملت, برادران ایمانی, مسلسل شان رسول قرآن کے آئینے میں اس عنوان کے تحت گفتگو جاری و ساری ہے. آج کی یہ آٹھویں تقریر ہے. ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے امیوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا تاکہ وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور تمہارے نفسوں کو پاک کرے, اس لیے کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. وہ رسول جو اللہ کا محبوب ہے, وہ رسول جو روح کائنات ہے, وہ رسول جس کے صدقے میں یہ پوری کائنات بنائی گئی ہے, پوری کائنات سجائی گئی ہے, اس بنانے والے نے اپنی محبت عطا کو اتنا زیادہ وسیع کیا کہ بناتا گیا اور اپنے حبیب پہ قدموں میں رکھتا گیا. اے حبیب, چاند پر تمہارا اختیار ہے, سنگریزوں پر تمہارا اختیار ہے, خلاؤں پر تمہارا اختیار ہے, ہواؤں پر تمہارا اختیار ہے, فضاؤں پر تمہارا اختیار ہے, کواکب پر تمہارا اختیار ہے, سنگریزوں پر تمہارا اختیار ہے, چرند پر تمہارا اختیار ہے, پرند پر تمہارا اختیار ہے. میں نے ایسا صاحب اختیار بنا کے بھیجا ہے کہ جب چاہے گا سنگریزوں سے کلمہ پڑھوا لے گا,
जब चाहेगा दिले काफिर में ईमान उंडेल देगा, जब चाहेगा मुशरिक को दौलत तौहीद अता कर देगा, जब चाहेगा चांद के दो टुकड़े कर देगा। तो अल्लाह ने अपने हबीब को ये सारे इख्तियारात दे के भेजा है, वो जो चाहेंगे वो होगा। और मैंने पूछा, या रसूलल्लाह आपके बाद क्या होगा? क्या मैंने पहले ही कह दिया है मैं ऐसी चीज़ें छोड़ के जाऊंगा और ऐसा कबीला छोड़ के जाऊंगा, अगर मैं चांद के टुकड़े करूंगा तो मेरा वसी डूबे हुए सूरज को पलटा लेगा, इरादे से मुर्दा बना देगा, फिर ठोकर मार के मुर्दे को जिला देगा, ऐसे नवासे छोड़ के जाऊंगा कि जो तकदीर में नहीं लिखा होगा वो भी लिख दिया जाएगा। तो मैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ने अपने हबीब को साहिब इख्तियार बना के भेजा और पूरी कायनात को उनसे जीनत बख्शी। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को जिससे जीनत दी उसे मोहम्मद कहते हैं। लेकिन उसी रसूल को अल्लाह ने एक बेटी अता की जो ताहिरा भी है, राजिया भी है, मर्जिया भी है, बतूल भी है, अजरा भी है, इंसिया हौरा भी है, सिद्दीखा भी है। वो बेटी सिद्दीखा भी है। उम्मत की सिद्दीखा होना और बात है, अल्लाह की तरफ से सिद्दीखा होना और बात है। भाई उम्मत की सिद्दीखा और है मगर अल्लाह की सिद्दीखा और है। यही फर्क है अहले बैत में और असहाब में। जो सिद्दीखा का मामला है उनके यहाँ सिद्दीक भी हैं, तो फर्क है। उनकी सदाकत का मामला यह है कि अमल होने के बाद वो बताते हैं, नहीं अमल होने के बाद जो कहे वो सिद्दीक नहीं होता, बल्कि जिसके कहने पर अमल हो जाए वो सिद्दीक होता। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई जिसके कहने पर जो हो जाए वो सिद्दीक होता है। तो अल्लाह ने अपने रसूल को एक सिद्दीका बेटी अता की, एक सिद्दीका बेटी अता की। अब हमारी शहजादी इस दुनिया में तशरीफ ले आई। वो रसूल अपनी बेटी का एहतराम कर रहा है। हमने देखा कि भरी हुई मस्जिद है, शमे रिसालत के परवाने जमा हैं, कोई दाएं बैठा है, कोई बाएं बैठा है, कोई सामने बैठा है, रसूल मिंबर पर हैं, रसूल अपनी मसनद पर बैठे हैं। इतने में एक दरवाज़ा खुला, वही दरवाज़ा जो मस्जिद में खुला था, बाकी तो सब बंद हो गए थे ना, वो दरवाज़ा खुला, एक नकाब पोश बीबी दाखिल हुई मस्जिद में। जैसे ही रसूल ने उस बीबी को आते हुए देखा अपनी जगह से खड़े हो गए, अपनी जगह से खड़े हुए। जब रसूल बुलंद हुए तो असहाब भी बुलंद हुए, असहाब तो रोया खड़े हो गए।
बीबी मजमे के बीच से निकली, रसूल ने बीबी को अपनी जगह बिठाया। देखिए बहुत जाग के सुनिएगा जो बात कहने जा रहा हूं, बहुत इत्मीनान से पढ़ रहा हूं। इसीलिए बीबी को अपनी जगह बिठाया और फिर राज और नियाज की बातें की, और फिर बीबी वहां से उठी और अपने दरवाजे तक की तरफ चली और अपने घर आ गई, वापस हो गई। तो लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह बेटी का इतना एहतराम, या रसूल अल्लाह बेटी का इतना एहतराम, बेटी का इतना एहतराम, बेटी का इतना एहतराम। तो रसूल ने कहा बेटी का एहतराम अपनी जगह है, मगर आज मैंने बेटी का एहतराम नहीं किया है बल्कि रिसालत ने इस्मत का एहतराम किया। बेटी का एहतराम अपनी जगह है मगर रिसालत ने इस्मत का एहतराम किया है। रिसालत ने अस्हाब के मजमे में एहतराम करके बताया कि इस्मत किसे कहते हैं। हाय भाई सुनिए, इस्मत किसे कहा जाता है। मैंने बेटी का एहतराम नहीं किया बल्कि रिसालत ने इस्मत का एहतराम किया। अब वही बेटी रसूल के लिए सबबे सीनत बनी, वो बेटी रसूल के लिए सबबे सीनत बनी। बेटी का एहतराम भी कर रहे हैं, रसूल की वो बेटी है कि जो उम्मे अबीहा बनी। देखिए इस रुख से भी शान रिसालत को समझिए, रसूल ने अपनी बेटी का एहतराम करके बताया कि बेटियां बाप के लिए जहमत नहीं होती हैं, रहमत होती हैं। जहमत नहीं होती बल्कि रहमत। इसीलिए औरत की जिंदगी के तीन किरदार हैं, या तो वो किसी की बेटी है, या किसी की सौजा है, या किसी की मां है। बेटी है तो रहमत, जौजा हुई तो शौहर के ईमान की निस्फ हिस्सादार। भाई जुमला सुनिएगा, मां बनी तो जन्नत बच्चों की कदमों के नीचे। हाय भाई जुमला सुनिए भाई, अगर मां बनी तो अपने बच्चों की जन्नत अपने कदमों में रखती है। अब उस बीबी को सलाम न करे तो क्या करे कि जो इस दुनिया में आई तो रहमत उसके लिए बनी जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है। उसके लिए रहमत बन गई कि जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है, और उसके जब सौजियत में आई तो उसके ईमान की हिस्सेदार बनी जो कुल्ले ईमान है। कुल्ले ईमान के ईमान की हिस्सेदार, हर बच्चे की जन्नत मां के कदमों के नीचे है। भाई सुनिए, अब नबी की हदीस सुनिए, अल हसनो वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना। हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार है। इसका मतलब यह हुआ कि सबकी जन्नत हसनैन के पास है और हसनैन की जन्नत फातिमा के कदमों में है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सबकी जन्नत, अब वो शहजादी मंजिलें तय कर रही है।
मेरी शहजादी 9 बरस की हुई। अब रिश्ते आना शुरू हो गए, लोग अपने हसब नसब को देखते नहीं, बहुत तवज्जो के साथ सुनिए, अपने हसब नसब को देखते नहीं, अपने सिनो साल को देखते नहीं, और मोहम्मद से आके कह रहे रिश्ता चाहिए, रिश्ता चाहिए, रिश्ता चाहिए। उस नबी से कह रहे थे जो बगैर वही के बोलता नहीं, है भाई सुनिए तवज्जो के साथ, उस नबी से कह रहे थे जो बगैर वही के बोलता नहीं। अब रिश्ते आ रहे हैं, अल्लाह ने अपने हबीब को साहिब इख्तियार बनाया है ना, कंट्रोल दिया पूरा कायनात पर, पूरी कंट्रोल दिया, लेकिन बेटी के मामले में इतना मजबूर रखा कि खुद से दामाद नहीं बना सकता, खुद से दामाद नहीं बना सकता। भाई ये दुनिया है, इसमें तो तजुर्बा किया जा सकता है, अल्लाह हर बाप को एक बेटी अता करता है, बाप उसका वली होता है, इख्तियार होता है, वो जहां चाहे बेटी का अख्त करे, कोई टोक दे अब आपने कहां अख्त कर दिया, तो बाप यही तो कहेगा कि भाई बेटी मेरी है, मुझे लड़का अच्छा लगा, घराने घर वाले उसके अच्छे लगे, कबीला अच्छा लगा, मैंने शादी कर दी। अब लोग आके नबी से कह रहे रिश्ता चाहिए, नबी इनकार करे तो रिश्ते पर ज्यादा आ जाए, इकरार कर ले तो इस्मत पर जुल्म हो जाए, हाय हाय भाई सुनना सुनिए, इकरार कर ले तो इस्मत पर जुल्म आ जाए, इनकार करे तो रिश्ते पर सद आ जाए। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब जब मैं तुम्हें इख्तियारी ना दूंगा तो बात कैसे होगी, हाय भाई सुनिए, मैं तुम्हें इख्तियार ही नहीं दूंगा जब ये तुमसे रिश्ते की बात करे तो बस इनसे कह देना जिसकी ड्योढ़ी पर सितारा आएगा उससे फातिमा का अक्द होगा, जिसकी ड्योढ़ी पर सितारा आएगा, ताकि इस्मत भी महफूज रह जाए और रिश्ते पर कोई शक भी ना आने पाए। अब नबी ने कह दिया जिसकी ड्योढ़ी पर सितारा आएगा उससे शहजादी का अहद होगा। अब हर आदमी ने अपना अपना घर सजाया, बिल्कुल बेदार बैठे हैं आप, आपकी समातों पर भरोसा करके जुमला पढ़ने जा रहा हूं। हर आदमी ने अपना अपना घर सजाया, इसका मतलब यह हुआ कि किसी बड़ी हस्ती के आने पर घर सजाया जाता है। मैं जुमला कह रहा हूं मेरे अजीजों, किसी बड़ी हस्ती के आने पर घर सजाया जाता है। अब हमसे ना पूछना कि ये 3 शाबान को घर क्यों सजाते हैं, ये 13 रजब को घर क्यों सजाते हैं, ये 15 शाबाश को घर क्यों सजाते हैं। अरे भाई हर बड़ी हस्ती के आने पर घर सजाया जाता है, घर सजा लिया सबने, अब रात भर बैठे हुए हैं, सितारा आ रहा होगा, मैंने हाथों को जोड़ा माबूद ये सितारे ही को क्यों रखा, सूरज आ जाता क्या, वो मेरे अली की इताअत कर चुका है, उंगली के इशारे से पलट चुका है, चांद को भेज देता का वो मेरे नबी की इताअत कर चुका है, टुकड़े हो चुका है, जहरा हम पल्ला हैं, ज्यादा अलग से कोई चीज आएगी। अच्छा हर सितारे को नहीं भेजा, जोहरा को भेजा,
मामला भी तो जहरा का था, इसलिए जोहरा को चुना। अब वहां से सितारा चला, शायद मैं पहुंचा लेता हूं अपनी बात। सितारा वहां से चला, जैसे ही सितारा चला जहरा ने तस्बीह शुरू की, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जितनी देर जहरा ने अल्लाह अकबर कहा उतनी देर में सितारा वहां से यहां पहुंचा। भाई तवज्जो है कि नहीं है? सितारा वहां से यहां उतनी देर में पहुंचा जितनी देर में सहरा ने कहा अल्लाह अकबर, उतनी देर दरे अली पर ठहरा जितनी देर सहरा ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। हाय हाय, भाई तवज्जो है कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उतनी देर में दरे अली से फिर आसमान पर पहुंचा जितनी देर में सहरा ने कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिलकर सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। उतनी देर में वहां से यहां पहुंचा जितनी देर में जहरा ने कहा अल्लाह अकबर, उतनी देर ठहरा जितनी देर जहरा ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, उतनी देर में यहां से वहां पहुंचा जितनी देर में जहरा ने कहा सुभान अल्लाह सुभान। बकुदरत ने इसे अपने दफ्तर में नोट किया कि जब कोई शय पस्ती से बुलंदी पर जाती है तो सुभान अल्लाह कहते हैं। जब कोई शय पस्ती से बुलंदी पर जाती है तो सुभान अल्लाह कहते हैं। अब समझे जब अल्लाह नबी को मेराज पर ले गया तो क्यों कहा सुभान अल्लाह भी असरा। ले गया पाकर का साहब, ले गई अपने बंदे को रातों रात। सुभान है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात। अब जो लोग कहते हैं ये मजलिस में सुभान अल्लाह क्या है, अब पस्ती से उठने का नाम है सुभान अल्लाह। जो पस्तियों में पड़े हो उन्हें क्या समझ में आएगा सुभान अल्लाह। वहां से जोहरा चला, सितारा चला, डायरेक्ट नहीं आया वो डायरेक्ट नहीं आया, उसने आके पूरे मदीने का चक्कर लगाया पहले, ताकि ये जितने हैं ये सब मेरे चक्कर में आ जाएं। पहले चक्कर लगाया और चक्कर लगा के दरे अली पर पहुंच गया। लीजिए सितारा भी अली वाला निकला है, नहीं था चोर भाई है? वो भी वहां पहुंचा अली के दरवाजे पर, सितारा भी अली के दर पर पहुंच गया। अब कम जर्फ मुफ्ती मौलवी जिसके मेदे खराब हैं, उसे देसी घी थोड़ी अच्छा लगता है। भाई जो डालडा खाने वाले हों उन्हें देसी घी खिलाया जाएगा तो क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा। जब यहां तक बात पहुंची तो कहने लगे देखिए देखिए अली की बात आ गई। भाई अब तो इन्होंने फौरन दिमाग लगाया ना, वहां अली की बात आई ना फौरन। कले तो आप देखिए तो शियों का गढ़ा हुआ है, इतना बड़ा सितारा दरवाजे अली पर कैसे आ गया, तो इतना बड़ा सितारा, इतना बड़ा सितारा दरे अली पर कैसे आ गया। बस सितारे ने भी तहजीब सिखाई है, सितारे ने भी तहजीब सिखाई है। जब तक आसमान की बुलंदियों पता बहुत बड़ा था,
मगर जब दरे अली पर पहुंचा तो अपने को इतना छोटा कर लिया, इतना छोटा किया, इतना छोटा किया कि दरे अली पर आके बताया, जमाने वालों समझो, अगर इस दर पर आना तो छोटे बन के आना, बड़े बन के ना आना। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। गौर किया, सितारे ने तहजीब सिखा दी कि इस दर पर आना तो छोटे बन के आना, जितना अपने को झुकाते जाओगे उतना ये बुलंद करते जाएंगे। बेजार आओगे अबूजर बना दिए जाओगे, मुसलमान आओगे सलमान बनाओ जाओगे, सलमान बन के आओगे तो फख्र सुलेमान बना दिए जाओगे। सितारा आ गया, दरे अली पर सजदा कर लिया। अच्छा, मैंने कहा माबूद खाली सितारे को क्यों भेजा? जो बात मैंने बीच में पढ़ी थी वो अब पढ़ सुनते, सूरज आ जाता लोग करीब जाते और जल जाते, क्या नहीं वो अली की इताद कर चुका है? चांद का वो मेरे नबी की इताद कर चुका है, इसलिए सितारे को भेजा, जोहरा को भेजा। क्यों माबूद, कोई एक और भी चीज आ सकती थी? क्या मैंने सितारे को दरे अली पर भेज के सहाबियत समझाई है कि सहाबियत दरे अली पर पड़ी रहती है? नहीं समझे आप? जो चिल्ला रहे हैं आज तक सितारों की मानिंद हैं? अल्लाह ने सितारे को भेज के बताया है कि समझो, अगर सहाबियत की बुलंदी चाहते हो तो दरे अली पर आओ। इस दर पर जिसने सजदा कर लिया और उसके मुकद्दर को कोई बिगाड़ नहीं सकता, लिहाजा अल्लाह ने सितारे को भेजा और सितारे को अख्दे अली और फातिमा का पैगंबर बनाया। क्या खूब दो मिसरे कह दिए उस्ताद कमर जलालवी ने, भाई जिगर थाम के सुनिएगा, दो मिसरे कहें कयामत के। वो फरमाते हैं कि मुर्तजा को खाना ज़ादे रब्बे अकबर देखकर, मुर्तजा को खाना ज़ादे रब्बे अकबर देखकर ब्याहदी बेटी पैगंबर ने बड़ा घर देखकर, क्योंकि बेटा बड़े घर का था लिहाजा बेटी भी नबी की थी, बेटा खुदा के घर का था तो बेटी नबी के घर की थी। कायनात में यह वाहिद है कि जिसका दो बार निकाह हुआ, एक बार अर्श पर हुआ, एक बार फर्श पर हुआ। अर्श पर जिसने पढ़ा वो खुदा है, फर्श पर जिसने पढ़ा वो मोहम्मद है। तो अली को फातिमा से, अब जरा सा तारीख को पलटिए, एक नबी की मां है जिसका अहद नहीं हुआ,
حضرت مریم کا حق نہیں ہوا، بی بی مریم کا حق نہیں ہوا. کیوں؟ کہ اس زمانے میں کوئی مریم کے جیسا مرد نہیں تھا. قانون مشیت یہ ہے معبود، کیا قانون بنا رہا ہے؟ بغیر شادی کے بچہ کیسے آئے گا؟ کہ میں قانون فطرت بدل دوں گا مگر عصمت پہ حرف نہیں آنے دوں گا. ہائے ہائے بھائی، توجہ نہیں فرمائی آپ نے. میں قانون فطرت بدل دوں گا مگر عصمت پہ حرف نہیں آنے دوں گا. اگر مریم کے برابر کا کوئی مرد نہیں ملے گا تو میں مریم کو بغیر شادی کے بیٹا عطا کر دوں گا. میں قانون فطرت بدلوں گا، بغیر شادی کے مریم ماں بنے گی. کیوں شادی نہیں ہوئی؟ کیونکہ ان کے ہم پلہ کوئی مرد نہیں تھا اس زمانے میں. اللہ نے عصمت کو محفوظ رکھا. آپ سمجھے پیغمبر نے کیوں کہا تھا، اے علی اگر تم نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. بھائی سنیے توجہ کے ساتھ، تو اب جو منزلت علی کی ہے وہی منزلت میری شہزادی کی ہے. میں نے کسی مجلس میں کہا تھا یہی دو تو ہیں جن کو لینے کے لیے نبی گئے ہیں. ایک کو لینے کعبے میں گئے، ایک کو لینے معراج میں گئے. یہی دو تو ہیں نا. اب یہ دو ملا دیے گئے، علی و فاطمہ کا عقد ہوا. بھئی توجہ کے ساتھ سنیے، نبی نے کیا کہا، اے علی اگر تم نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. فاطمہ ہے کیا؟ پہچانے زمانہ. دنیا ہم پر اعتراض کرتی ہے کہ یہ تو آپ بیان کرتے ہیں. اللہ نے نہ انہیں نبوت عطا کی نہ امامت عطا کی، پھر اتنا منصب کیسے اور اتنا عہدہ کیسے؟ خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے خطیب الایمان علامہ مظفر حسین طاہر جرولی صاحب اللہ مقام. کیا خوبصورت بات کہی انہوں نے، بہت سے لوگوں نے انہیں سن رکھا ہوگا یہاں جتنے بیٹھے، جو 40+ ہوں گے انہوں نے تو کم سے کم سنی رکھا ہوگا. جب یہ اعتراض ہوا کہ صاحب انہیں نہ نبوت ملی نہ امامت ملی، پھر آپ اتنی منزلت بیان کرتے ہیں، ان کا اگر اس راز کو سمجھنا ہے تو مباہلے کے میدان میں آئیے. جہاں رسول سے مباہلہ ہو رہا ہے، اور آیت اتری فمن حاج جگہ فیہ من بعد ما جاک من العلم، اے میرے حبیب جب علم آ گیا تو اب جھگڑا کہے کہے. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنة اللہ علی الکاذبین. اب ان سے کہیے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں. اللہ نے آیت بھیج تو دی، میں نے اللہ کی طرف دیکھا، اے اللہ تو نے کہہ تو دیا اپنے حبیب سے کہ ان سے کہیے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، آیت کے ساتھ بیٹے بھی تو نازل کر. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی آیت کے ساتھ بیٹے بھی تو بھیج. آج محمد بیٹوں کی جگہ لے کے کس کو جائیں گے؟ کب پوری کائنات جس در کی سوالی ہے آج محمد بھی اسی در کا سوالی بنے گا.
आज अली के बेटे मोहम्मद के बेटे बनेंगे, हसन और हुसैन। अब अरबी का कानून है, जितने सेगे हैं वो जमा के हैं उसमें, अरबी का कानून है तीन, दो या दो से ज्यादा, इससे कम पे नहीं। लेकिन रसूल औरतों में एक ले जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह और भी तो औरतें हैं, ले लीजिए। क्या देखता नहीं आयत कह क्या रही है, वहां झूठों पर लानत होना है। है नहीं तो जो हरवाई आपने भाई, वहां झूठों पर लानत होना है। ये झूठे थोड़ी जाएंगे, सिद्दीका जाएगी। ये सिद्दीका जाएगी। अच्छा, किसे लिया? देखिए घड़ी की तरफ मेरी भी निगाहें हैं, बहुत तेजी से भाग रही है सुई, मगर जो बातें रह जाएंगी वो कल। गोदी में इमाम हुसैन को लिया, गोदी में इमाम हुसैन को, उंगली पकड़े हुए इमाम हसन, बीच में सैयदत निसाइल आलमीन, पीछे मौला अली। अब जैसे आयत उतरी थी वैसे ही काफिला चला। अब ना वह अपना हुकुम व निशाना व अनफोसना, नबी ये कह के पलटे तो नसारा के बड़े बड़े आलिमों ने कहा कि अगर नबी पूरे मजमे के साथ आए तो मुबाहला कर लिया जाए, और चंद लोगों के साथ आए तो मुबाहला ना किया जाए। तो मैं नसारा के बड़े बड़े आलिमों से कहूँगा कि जब रसूल लश्कर के साथ आएंगे तो तुम्हें शिकस्त हो सकती है, और चंद लोगों के साथ आएंगे तो तुम शिकस्त दे सकते हो। ये क्यों कह रहे हो कि रसूल पूरे लश्कर के साथ आए तो मुबाहला कर लेना, और चंद के साथ आए तो मुबाहला ना करना? तो नसारा जवाब देंगे, हमें मालूम है कि रसूल जो लश्कर लाएंगे उनमें ऐसे भी होंगे जिन्हें पूरी उम्र में सूरह बकरा भी याद ना हुआ होगा, ऐसे भी होंगे जिन्हें सूरह बकरा ना याद हुआ होगा, और जो मुख्तसर से आएंगे उनमें ऐसे भी होंगे कि एक रकाब से दूसरी रकाब तक पैर रखेंगे कुरान खत्म होता हुआ नजर आएगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गौर किया? अच्छा, नबी चले गोदी में इमाम हुसैन, बस आखिरी बात है बाबे फजाइल की और बात तमाम। गोदी में इमाम हुसैन, उंगली पकड़े हुए इमाम हसन, बीच में सैयदा, पीछे अली। जहां रिसालत कदम रखती है वहां फातिमा, जहां फातिमा कदम रखती है वहां मौला अली। ये है पर्दाए एहतियात फातिमा। भाई जुमले की कदर नहीं की आपने, यह है पर्दा एहतियात फातिमा। मसीहत को यह भी गवारा नहीं है कि किसी की निगाह कदम फातिमा पर भी पड़ जाए। मसीहत को यह भी गवारा नहीं कि किसी की निगाह कदम फातिमा पर पड़े। यह रिसालत का कदम, यह फातिमा जहरा का कदम, ये मौला अली का कदम। जहां रिसालत का कदम वहां फातिमा, जहां फातिमा का कदम वहां इमाम। अब जो लोग कहते हैं उन्हें नबूवत अता नहीं हुई, उन्हें इमामत तो अता नहीं हुई, फिर इतनी मंजिलत कैसी? आप मुबाहले में देखो, आगे रसूल, पीछे इमाम, बीच में सैयदा। समझाया जा रहा है फातिमा किसे कहते हैं जो एक कदम
आगे बढ़ा ले तो रसूल बन जाए, एक कदम पीछे हटा ले तो इमाम बन जाए, एक कदम आगे बढ़ा ले तो रसूल है, एक कदम पीछे हटा ले तो इमाम। अच्छा, मेरे आगे कोई चल रहा हो तो वो कायद कहलाएगा। मैं किसी के आगे चल रहा हूं, यानी मैं बीच में हूं। अब मिसाल को सुनिए, कोई मेरे आगे चल रहा है तो मैं उसका पुश पनाह कहलाऊंगा, और मैं किसी के आगे चल रहा हूं तो उसका कायद कहलाऊंगा। मैं किसी की पुश पीछे चल रहा हूं तो पुश पनाह कहलाऊंगा, और किसी के आगे चल रहा हूं तो कायद कहलाऊंगा। फातिमा उस बीवी को कहते हैं जो रिसालत की पुष्पनाही कर रही थी और इमामत की क़यादत फरमा रही थी। यह है फातिमा, जिसने रिसालत और इमामत को जोड़ दिया हो उसे फातिमा कहते। अब जो नसारा के बड़े बड़े आलिमों ने पर्दे में छुपे हुए इल्म को देखा तो कहा हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं जो पहाड़ हिला सकते हैं, अगर ये इशारा करते हैं तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। किसे देखा? पर्दे में छुपे हुए इल्म को देखा। उनका हम मुबाहला ना करेंगे, वापस हो गए। हाय भाई, जुमला सुनिए, वापस हो गए। वहां से लानत चल चुकी थी। हाय भाई, सुनिए सुनिए, वहां से लानत चल चुकी थी। भाई संभालिएगा जुमला, ये मेरे बिरादरान तवज्जो चाहता हूं। वहां से लानत चल चुकी थी, जैसे ही नसारा ने देखा कि बीबी आई है, कहा मुबाहला ना करेंगे, वापस हो गए। लानत रुक गई, अब वहां से तो चल चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि जो इनके मुकाबले पर आएगा, हाय हाय भाई सुनिए सुनिए, क्योंकि लानत चल चुकी है, अब जो भी आएगा उसके मुकद्दर में लानत आती जाएगी। ईसाई इसीलिए लानत से बच गए। हाय, नहीं जुमला पहुंचा भाई आप तक। भाई ईसाई इसीलिए लानत से बच गए क्योंकि वापस हो गए। अब जो आ गए हैं, हाय हाय भाई, नहीं तो जो हर मारे हैं भाई, जो मुकाबले पर आ गए हैं, आज तक लानत हो रही है। और हमारे पास यही मेयार है, हमारे पास यही मेयार है। जो लोग हमसे कहते हैं कि आप औरों का तस्किरा नहीं करते, तो हमने सबके लिए दिन बना रखे हैं। मैं कल अर्ज कर चुका हूं पूरी तारीख सबके लिए दिन भर। आप उनको नहीं मानते, उनको नहीं मानते, अरे भाई हमने एक लाइन खींच रखी है, हम उस लाइन के पार थोड़ी चले जाएंगे। चार मिसरे सुनिए तकरीब तमाम। मकाम बर्ग यही है कि फूल राजी हो, मकाम बर्ग यही है कि फूल राजी हो, वो खुश नसीब है जिससे रसूल राजी हो। वो खुश नसीब है जिससे रसूल राजी हो, जिसे जिसे कहो मानूंगा मैं रजी अल्लाह, मगर ये शर्त है पहले बतूल राजी हो। मगर ये शर्त है, मगर ये शर्त है पहले बतूल राजी हो। अब सोचिए कि कितना बुलंद मुकद्दर है हमारा कि वो बीबी हमारे बीच आती है।
फकत आंसू लेने के लिए। फकत आंसू लेने के लिए आती है। सुनेंगे हजरत आरोह। एक रवायत है, मैं समझता हूं रोने के लिए क्या, मर जाने के लिए काफी, जब याद आएगी तब रोएंगे। एक दिन दरोगे जिंदान हमारे और आपके बीमार इमाम के पास आया, कह सैयद सज्जाद मैंने देखा है कि जब रात हो जाती है तो कोई बीबी है जो वाह हुसैन कह के रोती है। कैद खाने के बाहर वाह हुसैन कह के रोती है और उसकी आवाज में ऐसा दर्द है, अल्लाह भाई कैसी बातें करता है। क्या नहीं सही है दोस्तों, कहा अच्छा ठीक है, अब जब वो बीबी आए तो मुझे बुला लेना। रात आई, जब आधी रात गुजर गई तो उस बीबी ने कहा हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। वो दौड़ता हुआ आया, सैयद सज्जाद जल्दी चलो वो बीबी आ गई है। मेरे इमाम ने हथकड़ियों को संभाला, बेड़ियों को संभाला, तौक को संभाला। मेरा इमाम चलना चाहता था कि फूफी ने कहा रुको मेरे लाल, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी क्योंकि मुझे इन जालिमों पर भरोसा नहीं है। जनाबे ज़ैनब साथ चली, कैद खाने के दरवाजे पर पहुंची, फूफी और भतीजे कैद खाने के दरवाजे पर पहुंचे तो बहुत गौर से बीबी को देखा और देख के कहा भाई ये बीबी हम में से नहीं है, इसलिए कि मेरे साथ जितनी बीबियां हैं उनके सर पर चादर नहीं है, इस बीबी के सर पर चादर है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, इस बीबी के सर पर चादर है, मगर तुम यही रुको, हम अभी पूछ के आते हैं ये बीबी कौन है। दोनों लोग चले, बीबी के करीब आए, ए बीबी आप कौन है, आप किसको रोती हैं? हाय हुसैन कह के रोती है, आपका हुसैन से क्या रिश्ता है, आप किस हुसैन को रो रही है? कह रहे उसी हुसैन को जिसे एक दो पहर में लूट के मार दिया गया। का आपका हुसैन से क्या रिश्ता है, आप हुसैन की कौन हैं? जरा बताइए तो आप कौन हैं? आप बीबी ने अपने चेहरे से बालों को हटाया और हटा के कहा ज़ैनब अपनी माँ को भी नहीं पहचाना, मैं तेरी माँ फातिमा हूं, जब से मेरा हुसैन मारा गया मैं जंगल जंगल हर मजलिस में जाती हूं खाली रोने के लिए, अब सैयदा कब्र में नहीं आए, हर जगह रोने के लिए जाती है, इस मजलिस में भी आई होंगी बीबी, ए बीबी इस पुरसे को लेती हुई जाइए हमारे गुनाह पर। سيعلم الذين ظلموا أي مرخلهم ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون ما تمنوا الشيطان